पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मामला लगभग सभी लोगों के संज्ञान में हो गया है। माननीय सपा जिला अध्यक्ष माननीय विधायक लक्की यादव को भी संज्ञान में दे दिया गया है। आप लोगों को न्याय मिलेगा और बक्सर थाना क्षेत्र के जो भी ये मामले को नहीं सुने हैं और अनाप शनाप गाली दे रहे हैं, यह तरीका पुलिस वालों का सही नहीं है। इसकी निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। बक्सर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव के मूल निवासी हैं, जो कि जमीन से जुड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मेरे पिता, जिसे मेरे पट्टीदार जमीन लिखवाए हैं और पैसे नहीं दिए, उसी को लेकर इनके पिता आज 15 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए और उसी के मामले में लोग थाने पर आए थे, उसी में गाली गलौज हुआ। आज देखिए विस्तार से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। बहुत सही बक्सर थाना, बहुत सही जौनपुर जिला बक्सर थाना है ना ये, बहुत सही सर। माननी चाहिए यहाँ पुलिस वालों को। 8-8 घंटे से आदमी बैठा है ना, यहाँ का आदमी गाली दे के बात कर रहा है। ये पुलिस है, किस अधिकारी पढ़ के आए हैं, एजुकेशन कोई नहीं है इनकी। यहाँ न्याय मिलेगा, एविडेंस के साथ बैठे हैं। जो गलत काम किया है, जो मर्डर किया वो बाहर है, जो इंसान है वो किया परेशान हो रहा है, थाना खोले हैं। बहुत सही, यही है सरकार, योगी सरकार यही है। बहुत अच्छा न्याय भी दे रही है योगी सरकार की पुलिस है ये। मारब जूता से बहुत थोड़ो के मार दे छियो। कैसे आप ये सब कर सकते हैं? 7 घंटे से एक औरत को बैठा के रखा है जिसका पति 15 दिन पहले मरा है। तो क्या कर ले आ? वो औरत बीमार है, उसको 50,000 का ऑपरेशन करवाए, इतना बड़ा पति निकाल रहे हो। आपको समझता है कुछ? उसको बात, आप मेरी माँ को डांट दे रहे हो और मुझे गाली दे रहे हो। मेरी माँ के सामने मुझे मेरी माँ पे गाली दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। कहे नहीं बनाए, बना लिए हैं। हाँ, बना लिए हैं, बना लिए। हमारे घर में भी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। पूरा सारा गलती है, ये पूरा प्रूफ रखे हैं। वो आपको जाके बैठा हुआ है, आपको डांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। छोड़िए, कैसे आप मेरी माँ के सामने अपनी गाली दे रहे हैं? मेरी माँ के ऊपर जिसका पति 15 दिन पहले फांसी लगा के मरा है, उसको डांट रहे हो? हाँ, उसको शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, पुलिस को कैसे करते हो? ऐसा कर तो पुलिस थाने के लायक हो? नहीं, तुम हो लायक। मेरी माँ के सामने मेरी माँ को गाली दे रहे हो? ऐसा बोल सकते हो आप ऐसा? प्रिंस, बस करो, जाए दो। 13 तारीख थी ना कल, 13 तारीख से घर पे आए थे, आपको कागज दिया था नहीं, पूरा सबूत दिया। ये प्रूफ है, देख लीजिए, ये प्रूफ है। बताइए, जिसकी गलती वो घर पे बैठा है और आप मुझे यहाँ पे बोल रहे हो? तो क्या कर ले, क्या कर रहे? मतलब आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो? 8 घंटे हो गए, 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, 9 बजे से बैठे हैं, समझे? जाए आप बोले तो समझ लेना, पूरी गलती है। बक्सर थाना, बक्सर थाना जौनपुर। अरे रिकॉर्डिंग है, गाली किसने दी? हाँ ठीक है, गाली किसने दी? बस बस, आपके सामने मुझे आपके ऊपर शुरू से रिकॉर्डिंग है, शुरू से रिकॉर्डिंग कर ली है। बक्सर थाना, बहुत सही जौनपुर जिला बक्सर थाना है ना ये, बहुत सही सर। माननी चाहिए यहाँ पुलिस वालों को। 8-8 घंटे से आदमी बैठा है ना, यहाँ का आदमी गाली दे के बात कर रहा है। ये पुलिस है, किस अधिकारी पढ़ के आए हैं, एजुकेशन कोई नहीं है इनकी। यहाँ न्याय मिलेगा, एविडेंस के साथ बैठे हैं। जो गलत काम किया है, जो मर्डर किया वो बाहर है, जो इंसान है वो किया परेशान हो रहा है, थाना खोले हैं। बहुत सही, यही है सरकार, योगी सरकार यही है। बहुत अच्छा न्याय भी दे रही है योगी सरकार की पुलिस है ये। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर।
लगाना ना भूलें।